रात वाला भी व्यू देख लीजिए, गजब ही खूबसूरती है। ये तो मेन गेट है। हे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप लोग मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो अभी रूम से निकले हैं, स्टेशन जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए। तो अभी ब्लॉग में बताऊंगा नहीं, क्योंकि तो मज़ा सारा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप लोग बस ब्लॉग में बने रहिए, तो सारा कुछ पता चल जाएगा कहाँ घूमने जा रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं स्टेशन में। मेन गेट है, जो इसे यही गेट से एंट्री करते हैं अंदर। ये शूज काउंटर है जहाँ पे रख दिए हैं शूज। अभी मैं पटना साहिब के गुरुद्वारा आया हूँ, जो यही आने का मैं बोल रहा था कि आप लोग को बताया नहीं था ब्लॉग शुरू होने से पहले। काफ़ी ज़्यादा सुंदर बना हुआ है, जो नहीं आए हैं वो आ सकते हैं। बहुत अच्छा जगह है यहाँ पे, यहाँ पे लोग हैं, देख सकते हैं फ़ोटो शूट कर रहे हैं। बट गुरु गोविंद जी का जन्म 12 दिसंबर 1666 में हुआ था, याद में ये बनाया गया है। और हमारे साथ मेरे भाई कुंदन आए हैं, देख सकते हैं। हाय गाइस, प्लीज़ मेरे भाई का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब मेरा भाई भी बोल दिया, तो जल्दी से मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए। एक से एक आप लोग को ट्रैवल ब्लॉग अभी देखने मिलेगा, क्योंकि मैं अभी पटना आया हूँ, तो सिर्फ अभी ट्रैवल ब्लॉग ही आने वाला है कुछ दिन। गुरु गोविंद जी का जन्म यहीं पर हुआ था, और जन्म सिर्फ नहीं, यहाँ पर बचपन भी गुजारे थे गुरु गोविंद जी, तो उन्हीं के याद में ये बनाया गया है। और यहाँ पे लोग बहुत दूर से, विदेश से भी यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। और काफ़ी ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। आप लोग को चारों तरफ से दिखाएंगे, बस आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। बस अंदर का मैं दिखा नहीं सकूँगा, क्योंकि अंदर अलाउ नहीं है मोबाइल ले जाने का, मतलब कैमरा नहीं कर सकते या वीडियो कोई अलाउ नहीं है। इसलिए मैं अंदर का बस नहीं दिखा पाऊँगा, बाहर से मैं सारा कुछ आप लोग को दिखाऊँगा। आप लोग बस ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग को एंड तक देखिए। तो चलिए, आप यहाँ ट्रेन से भी आ सकते हैं। यहाँ बगल में ये स्टेशन है पटना साहिब, ना पटना साहिब स्टेशन है ना, पटना साहिब, हाँ पटना साहिब स्टेशन है बगल में ये। तो यहाँ से पैदल भी आ सकते हैं, टोटो भी मिलता है। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही काफ़ी ज़्यादा सुंदर ये गुरुद्वारा है लोग को, तो उधर जाके भी दिखाता हूँ, देखते हैं क्या क्या पीछे जो दिखाई दे रहा होगा। काफ़ी ज़्यादा सुंदर है ये मंदिर, पीछे भी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है। ये साइड भी दिखाते हैं आप लोग को, बहुत ही ज़्यादा बड़ा बना हुआ है। चलो, ये अंदर वाला है, दिखा दे। लाइट भी ऑन हो चुका है, लाइट होने के
ऑन होने के बाद और ज़्यादा खूबसूरती इसका बढ़ गया, देख सकते हैं। हे कुंदन, और ये आगे का दृश्य है, देख सकते हैं यहाँ पे बैठने का भी जगह है, यहाँ पे नीचे बैठ सकते हैं, काफ़ी लोग बैठे भी हैं। और वो है मैन जो दिखाई दे रहा है, वो गोल करके उसी से अंदर आते हैं, वही गेट। वहाँ पानी भी रखा हुआ, मतलब पैर धो के अंदर आना है, बिना पैर धोए कोई भी अंदर नहीं आ सकता, और ये रुमाल आपको बांध के ही अंदर आना है, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और जैसे काफ़ी लोग यहाँ पे फोटोशूट भी कर रहे हैं, बैठने का जगह बहुत ही अच्छा, और इतना काफ़ी ज़्यादा ये मंदिर खूबसूरत है कि बता नहीं सकते आप लोग को। आप लोग पटना कभी आओ तो यहाँ पे आप लोग ज़रूर आके घूम सकते हैं। यहाँ पे सभी लोग प्रसाद ले रहे हैं, देख सकते हैं, तो मैं भी जाके ले लेता हूँ। रात वाला भी व्यू देख लीजिए, गजब ही खूबसूरती है। ये तो मेन गेट है, जो एंट्री गेट है, यहाँ से अंदर घुसते हैं। अब बाहर धीरे धीरे सारे लोग जा रहे हैं।